तो अब देखिए, इसके 5 क्वेश्चन इससे पहले हो चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और इसके आंसर एकदम से इजी हैं। जिन स्टूडेंट ने कहानी ठीक से समझ ली है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा जो बीच बीच में मैं आपको ग्रामर के पॉइंट जो बताता हूँ उन्हें अगर आप अच्छे से समझ लें और थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करें कि एक आंसर हम किस तरीके से बना सकते हैं, अगर आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद, स्टोरी पढ़ने के बाद, आपको आंसर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आंसर क्या देना है एक बार समझ लिया, इसके बाद आप खुद से दे पाएंगे। हाँ, आप देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड द ऑथर सी, पहले क्वेश्चन को ठीक से समझिए कि व्हाट डिड द ऑथर सी, कि लेखक ने क्या देखा। व्हेन जब ही लुक्ड, उसने देखा थ्रू द ग्लास पार्टीशन, कि जो कांच का जो पार्टीशन बना हुआ था, यानी जिस गैलरी में वो चल रहे थे और उसके अंदर जो रूम बना हुआ था, तो आपको याद होगा कि जो नर्स थी वो उसे लेकर के आई, जो लेखक था उसे, और उसने बताया कि देखो ये दोनों लड़के यहाँ हैं, और एकदम से बताया कि बिल्कुल साइलेंट होकर के देखो कि अंदर क्या हो रहा है। तो इस तरीके से जब वो लेके आई तो आपको बताना है कि लेखक ने अंदर क्या देखा। अब देखिए, आपके दिमाग में जैसे आंसर है कि अंदर उसने क्या देखा कि दो लड़के बैठे हुए थे, ये उसने देखा, जो लड़की थी उसके बगल में दोनों लड़के बैठे हुए थे, ये उसने देखा। दूसरा, जो लड़की की पोजीशन है वो आप बता दें कि लड़की एक लेस की जैकेट पहने हुए थी और जो लड़के थे उनकी जो बातचीत हो रही थी तो वो लड़की उनकी जो बातचीत थी उस पर ध्यान दे रही थी या उसकी बातचीत को सुन रही थी। तो बस केवल इतना आपको लिखना है। अब यहाँ जो ग्रामर के पॉइंट्स हैं वो आपको ठीक से समझने हैं। जैसे क्वेश्चन कहाँ जा रहा है कि व्हाट डिड द ऑथर सी, लेखक ने क्या देखा, तो इतना स्टार्टिंग आपको यहीं से मिल जाता है कि सी का आप सेकंड कर देंगे सो। तो इस तरीके से हो गया कि थ्रू द ग्लास पार्टीशन, इसको हमने आगे ले लिया कि थ्रू द ग्लास पार्टीशन, के ग्लास पार्टीशन में से द ऑथर सो, लेखक ने देखा। यानी यहाँ कहीं से भी आपको ना तो लर्न करना है, थोड़ा सोचिए और सोचकर देखिए कि क्या हम लिख सकते हैं कि थ्रू द ग्लास पार्टीशन, के ग्लास पार्टीशन में से जो ऑथर था उसने देखा। अब क्योंकि क्वेश्चन आपका व्हाट डिड द ऑथर सी था, तो आप क्या कहेंगे कि द ऑथर सो, लेखक ने देखा। अब सबसे पहले उसने क्या देखा कि जो दोनों लड़के थे वो बैठे हुए थे। अब यहाँ थोड़ी सी एक बात आपको समझनी है, जैसे मैंने आपको जो बी फॉर्म बताया था, इज एम आर या वॉज वर या विल बी सेल बी, कोई भी ले लें, किसी एक से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर आप इनके बाद कोई वर्ब अगर आपकी आती है तो इसकी जो सिचुएशन है वर्ब की, वो आपको ठीक से दिमाग में बिठानी है कि अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस होते हैं तो इनके बाद जो वर्ब होती है उसकी फोर्थ फॉर्म आती है, यानी इनके बाद जो वर्ब आएगी उसमें आपको ing मिलेगा। क्लियर? एक तो ये सिचुएशन इनकी बनती है। दूसरी सिचुएशन मैंने इनकी क्या बताई कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है डू और डज, अगर आप इसका पैसे बनाते हैं तो वो इज एम आर में बनता है। तो ऐसी स्थिति में इस इज एम आर के साथ में जो दूसरी सिचुएशन है कि पैसे हो सकता है, तब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अगर ये मिलती है तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी करेंगे रहा है या रहा था, इज एम आर आएगा तो रहा है रही है रहे, और वॉज वर आएगा तो रहा था रही थी रहे थे, क्योंकि वी फोर लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस हो गया। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है तो ये पैसिव हो गया, तब आप यहाँ क्या करेंगे, जाता है, क्योंकि पैसिव किसका है, ता है ती है ते है का, तो ऐसी स्थिति में जाता है कर देंगे। अगर डिड का पैसिव है तो ऐसी स्थिति में जाता था कर देंगे। एक और सिचुएशन मैंने बताई कि इनके बाद आपको वर्ब मिलती ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनके बाद हमें कोई नाउन या एडजेक्टिव भी मिल सकता है। जैसे अगर आपको ये मिलता है कि ही इज़ अ टीचर, तो यहाँ इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये इसका कम्प्लीमेंट हो जाता है। तब इस इज एम आर का जो अर्थ होता है, इज का है हो जाता है, एम का हूँ हो जाता है, और आर का है हो जाता है, ठीक। इसी तरीके से जो वॉज है वो था और थी हो जाता है, और वर जो होता है वो प्लूरल के लिए थे हो जाता है। तो बस ये जो तीनों सिचुएशन है ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अब हम लिखना क्या चाह रहे हैं।
हम लिखना चाह रहे हैं कि जो दोनों लड़के थे वो बैठे हुए थे। अब हमें पता है कि सीट जो होता है बैठना, ये वर्ब भी है, लेकिन अगर किसी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उस थर्ड फॉर्म से हम एडजेक्टिव का काम भी लेते हैं, ये मैंने पीछे भी कई वीडियो में बताया है और ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। तो हमने कहा कि दो लड़के बैठे हुए थे, तो इसमें हमने सीट को वर्ब फॉर्म में यूज़ नहीं किया, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि द टू बॉयज़ वर सीटेड। तो ये जो सीटेड है वो कौन सी फॉर्म में लगा है, ये एडजेक्टिव फॉर्म में लगा है। बात आ गई समझ में कि द टू बॉयज वर सीटेड, के दोनों लड़के बैठे हुए थे। अब कहाँ बैठे हुए थे आप वो बता दें कि एट द बिसाइड, बगल में बैठे हुए थे, एक लड़की के बगल में। और लड़की की उम्र कितनी थी, 20, ये आपको स्टोरी से पता ही है। तो आपने लिख दिया कि टू बॉयज वर सीटेड एट द बिसाइड ऑफ अ गर्ल ऑफ अबाउट 20। अब ये आपको न तो लर्न करना है, केवल आपको थोड़ा समझना है कि हमें लिखना क्या है और हम उसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे पहले हमें क्वेश्चन से ही मिल गया कि थ्रू द ग्लास पार्टीशन, के ग्लास पार्टीशन में से लेखक ने देखा ऑथर शो। अब जो उसने देखा आप वो बता दें, क्या देखा, कि जो दो लड़के थे वो बैठे हुए थे, तो दो बैठे हुए लड़कों को देखा। यानी जो सीटेड वर्ड है ये इन बैठे, ये जो लड़के हैं इनके लिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि दो बैठे हुए लड़कों को देखा। तो द टू बॉयज वर सीटेड कहाँ, एट द बिसाइड ऑफ अ गर्ल अबाउट 20, के लगभग 20 साल की एक लड़की के बगल में बैठे हुए देखा। ठीक, अब एक लड़की के बगल में देखा, अब हमने बताया कि वो लड़की क्या कर रही थी। तो अगर हमें किसी के बारे में कोई जानकारी देनी होती है तो हम हु लगा करके वो देते हैं, तो वो क्या कर रही थी वो आप आगे बता देंगे कि जो सहारा लिए हुए बैठी थी, प्रॉप्ड अप। प्रॉप्ड अप का मतलब होता है टेक लगा करके बैठना, सहारा लेकर के बैठना। तो हु प्रॉप्ड अप, और काइका लिए हुए थी ऑन पिलो, कि जो पिलो से टिक कर बैठी थी, जो पिलो से सट कर बैठी थी। तो आपने वो लिख दिया कि हु प्रॉप्ड अप ऑन पिलो, एक तो ये। दूसरा वो क्या पहने हुए थी, तो आप वो भी लिख दें कि वियरिंग अ, तो हु जो प्रॉप्ड अप ऑन पिलो। यानी ये क्या हो गया कि ये उससे सट कर बैठी हुई थी, पहने हुए क्या थी, तो वो काम कंटिन्यूटी में, तो वियरिंग क्या पहने हुए थे, अ प्रेटी लेस जैकेट। ठीक, अब ये इसका काम है कि ये क्या कर रही थी कि हु वॉज लिसनिंग, जो सुन रही थी टू देयर चैटर। तो ये हमने इसके काम को बताया, तो ये कंटिन्यूस है। तो एडजेक्टिव कहाँ आ रहा है, वर्ब फॉर्म कहाँ आ रही है, तो अगर आपने ये पहचान लिया और आपने इसको यूज़ करना सीख लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपका पूरा आंसर बन जाता है कि क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि व्हाई डिड द ऑथर सी, सॉरी व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन ही लुक्ड थ्रू द ग्लास पार्टीशन। तो आप कह देंगे कि थ्रू द ग्लास पार्टीशन, के ग्लास पार्टीशन में से द ऑथर सॉ, लेखक ने देखा। अब क्या क्या उसने देखा आप उसका वर्णन करते जाइए, कि दो बैठे हुए लड़कों को देखा, आपने वर्णन कर दिया कि टू बॉयज वर सीटेड, कहाँ बैठे थे, एक 20 साल की लड़की के बगल में। तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि एट द बिसाइड ऑफ अ गर्ल अबाउट 20। अब ये लड़की क्या कर रही थी, तो लड़की के लिए जो काम है वो एडजेक्टिव के रूप में बताइए। पहले तो वो टिक कर बैठी थी, तो हु प्रॉप्ड अप ऑन पिलो, कि जो पिलो का जो सहारा लेकर के बैठी थी, पहले आपने ये बता दिया। दूसरा वो वियरिंग अ लेस जैकेट, वियरिंग अ प्रेटी लेस जैकेट, कि एक लेस की जैकेट यानी गोटेदार एक जैकेट, बहुत अच्छी सुंदर जैकेट वो पहने हुए थी। अब बता दें इसका काम कि ये क्या कर रही थी, तो हु से आप यहाँ लेंगे इसको कि हु वॉज लिसनिंग, कि जो सुन रही थी, टू देयर चैटर, कि उनकी चैटर को, उनकी बातचीत को जो सुन रही थी। और अगर डायरेक्ट से आप लर्न करने लग जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने वर्ड नहीं पहचाने, आपने एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, कौन किस तरीके से यहाँ यूज़ हो रहा है, तब आपको दिक्कत आती है, क्योंकि फिर आपका केवल रटना हो जाता है। और इन वर्ड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि हु हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको रिलेटिव क्लॉज में भी पीछे एक दो जगह बताया है कि किस तरीके से हु का, विच का, दैट का आप यूज़ करते हैं। क्लियर, चलिए एक बार पूरे आंसर को फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपका क्या था कि व्हाट डिड द ऑथर सी, लेखक ने क्या देखा, यहीं से आपका बन गया कि ऑथर सो, लेखक ने देखा। उसने जो क्वेश्चन की कंडीशन लगाई है कि व्हेन ही लुक्ड थ्रू द ग्लास पार्टीशन, तो आपने भी लगा दिया कि थ्रू द ग्लास पार्टीशन द ऑथर सो, लेखक ने देखा। कि दो बैठे हुए लड़कों को देखा, तो द टू बॉयज वर सीटेड।
कहाँ बैठे हुए थे? एट द बिसाइड ऑफ अ गर्ल अबाउट 20। अब ये लड़की के बगल में, वो लड़की कैसी थी? तो पहले आप वो बताएं कि हु प्रॉप्ड अप ऑन अ पिलो, यानी एक पिलो से सहारा लिए हुए 20 साल की लड़की के बगल में बैठे हुए देखा, ये पूरी बात थी। दूसरी बात उसकी क्या थी कि वियरिंग अ लेस जैकेट, वियरिंग अ प्रेटी लेस जैकेट। अब पूरी बात क्या बनी कि एक प्रेटी लेस जैकेट पहने हुए एक पिलो का सहारा लिए हुए 20 साल की लड़की के बगल में बैठे हुए थे, तो ये आपने बता दिया। अब उस लड़की का काम बताएंगे तो जो हु से अटैच हो जाएगा कि हु वॉज लिसनिंग, कि जो सुन रही थी, देयर चैटर, कि उनकी चैटर को, उनकी बातचीत को वो सुन रही थी। मेरे ख्याल से बात आपके दिमाग में ठीक से बैठ गई होगी कि हमको यहाँ लिखना क्या, क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डिड द ऑथर रिफ्यूज़, कि लेखक ने क्यों मना कर दिया, रिफ्यूज़ ठुकरा देना, मना कर देना, टू गो जाने से, इनटू, इनटू मतलब बाहर से अंदर की ओर जब गति होती है तो उसके लिए आप इनटू का यूज़ करते हैं। तो लेखक ने क्यों मना कर दिया अंदर जाने से लूसिया रूम, तो लूसिया के रूम में। अब लूसिया कौन है? आपको पता ही है कि लूसिया उस लड़की का नाम है, यानी उनकी जो सिस्टर थी उसका नाम लूसिया है। तो जैसे वो बाहर खड़े होकर के ग्लास पार्टीशन में से जब ये देख रहा था तो उस नर्स ने कहा कि आप अंदर नहीं जाएंगे, तो उसने मना कर दिया कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अब आपको रीजन पूछा है कि क्यों मना कर दिया कि वो अंदर नहीं जाएगा। आंसर देखिए कि द ऑथर, अब देखिए यहाँ भी डिड लगा है, रिफ्यूज़ है, तो रिफ्यूज हो जाएगा कि द ऑथर रिफ्यूज टू गो इन टू लूसिया रूम, कि अंदर जाने से मना कर दिया, बिकॉज, क्योंकि, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ही डिड नॉट वॉन्ट टू इंट्रूड अपॉन। अब ये जो इंट्रूड अपॉन वर्ड है इसका मतलब होता है कि किसी की प्राइवेसी में दखल देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ही डिड नॉट वॉन्ट, कि वो चाहता नहीं था, टू इंट्रूड अपॉन यानी प्राइवेसी में दखल देना नहीं चाहता था, दखल देना नहीं चाहता। आप ये लिख सकते हैं इंट्रूड का मतलब क्या होता है, दखल देना, तो ही डिड नॉट वॉन्ट, कि वो नहीं चाहता था टू इंट्रूड अपॉन। लेकिन इंट्रूड अपॉन का अपन यूज़ काय के लिए करते हैं, किसी की प्राइवेसी में दखल देने के लिए, और यहाँ किसकी प्राइवेसी थी, कि उनकी फैमिली पार्टी थी ये, यानी उनकी जो फैमिली थी वो बैठी हुई थी, तो ही डिड नॉट वॉन्ट टू इंट्रूड अपॉन, जो प्रेटी फैमिली पार्टी चल रही थी, जो हैप्पी फैमिली पार्टी चल रही थी, इसमें वो दखल देना नहीं चाहता था। तो सीधे बस इतना लिखना है कि ही डिड नॉट वॉन्ट टू इंट्रूड अपॉन, और इसके बाद क्या लिखना है, द हैप्पी फैमिली पार्टी, कि जो हैप्पी फैमिली पार्टी ये थी इसमें वो दखल देना नहीं चाहता था। तो कोई भी क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं है, इसका आंसर इसके एकदम से ईजी है, लेकिन बस केवल आपकी जो ग्रामर का सेक्शन है वो थोड़ा अगर ठीक रखते हैं तब आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,